नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें विस्तार से। देहरादून के परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम हुआ, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तिरंगा फहराया और प्रदेशवासियों को आजादी के पर्व की शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने सभी स्वतंत्रता सेनानियों और बॉर्डर पर शहादत देने वाले शहीदों को नमन किया। इस दौरान सीएम धामी ने कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं। सीएम ने कहा कि हर जिले में एक निकाय को आदर्श रूप में विकसित किया जाएगा। बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशन को 4,000 से बढ़ाकर 6,000 करने का ऐलान उन्होंने किया। सीएम धामी ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए समग्र कल्याण के लिए नीति बनाई जाएगी। पहाड़ों में पलायन रोकने के लिए ट्राउट मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा और 200 करोड़ की योजनाएं शुरू की जाएंगी। राज्य के हर जिले में एक मॉडल पशु अस्पताल खोला जाएगा। कई बड़े ऐलान आज सीएम धामी ने किए। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारा राज्य आजादी के बाद समान नागरिक संहिता बनाने वाला पहला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके द्वारा हमने देश और दुनिया को समानता और न्याय का एक प्रभावी संदेश दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता कानून समाज में महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को और अधिक मजबूत करेगा। हमारी सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों को 3 गैस सिलेंडर देने, प्रदेश की महिलाओं के लिए 30% का क्षतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू करने, पुनः सरकारी नौकरियों में खेल कोटा प्रारंभ करने एवं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे प्रदेश के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने जैसे अनेक अभूतपूर्व निर्णय लिए गए हैं। इससे पहले सीएम हाउस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तिरंगा झंडा फहराया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। वहीं धामी ने सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। सीएम ने राज्य में बाढ़ और भूस्खलन के सभी पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने यह भी कहा कि कैप्टन दीपक रावत का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और अपने दुश्मनों को करारा जवाब देंगे। पूरा देश और प्रदेश की जनता कैप्टन के शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ी है। और पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर मंत्री और सांसदों ने भी झंडारोहण किया। हल्द्वानी में बीजेपी के कुमाऊं दफ्तर पर नैनीताल से सांसद अजय भट्ट ने तिरंगा फहराया। पौड़ी में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण किया और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों को सम्मानित किया। वहीं अल्मोड़ा कलेक्ट्रेट में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने तिरंगा फहराया और राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। रुद्रपुर की बात की जाए तो उधम सिंह नगर जिले के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने ध्वजारोहण किया। देहरादून में कांग्रेस दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने तिरंगा फहराया और राज्य के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान कई और कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने मिलकर आजादी का जश्न मनाया। जी, मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं हैं, प्रदेशवासियों को, राष्ट्रवासियों को, और खासकर आज का दिन हम उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करते हैं जिन्होंने अपनी शहादतें दी, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकतर समय जेलों में काटने का काम किया और उनकी बदौलत आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। 78वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया पूरे प्रदेश में। आपके सामने 8 तस्वीरें, किस तरह से राज्य के लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। बद्रीनाथ में मास्टर प्लान में लगी कंपनी ने क्रेन से 230 मीटर ऊंचाई पर तिरंगा फहराया। रुद्रप्रयाग में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं ने गढ़वाली पंजाबी में प्रस्तुति दी। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर भी झंडारोहण हुआ और वहां मौजूद हजारों श्रद्धालु ध्वजारोहण के साक्ष्य बने। टिहरी में भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में ध्वजारोहण किया गया। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने ध्वजारोहण किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं पिथौरागढ़ में कलेक्ट्रेट परिसर में तिरंगा फहराया गया। बच्चों ने शहर में प्रभात फेरी निकाली। रुड़की में ध्वजारोहण के साथ ही बच्चों द्वारा अलग अलग रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। विकासनगर में भी पूर्व सैनिकों ने 120 मीटर लंबे तिरंगे को हाथ में लेकर विकासनगर बाजार में तिरंगा यात्रा निकाली। इसमें विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी शामिल थे।
हल्द्वानी में भी कुछ लोगों ने अपने अनोखे अंदाज में जश्न आजादी को सेलिब्रेट किया। यहां कुछ लोग 78 फीट लंबे तिरंगे के साथ सड़क पर चलते दिखे। नैनीताल में पर्यटकों के लिए आज का दिन खास रहा। 15 अगस्त के मौके पर नैनीताल पहुंचे पर्यटकों ने इस रंग को दो गुना कर दिया। नैनी झील तिरंगा मय दिखाई दी तो नावों को भी तिरंगे से सजाया गया। तिरंगे से सजी नावों को देख सैलानी उत्साहित रहे तो झील में भी तिरंगा शान से लहराता दिखा। जोश नजर आ रहा है, जैसे हरियाली है, पानी है, यहाँ लेक है, बहुत सुंदर नजर आ रही है। हर चारों तरफ झंडे नजर आ रहे हैं, इवन हर बोट में झंडा है, हर वो लहरा रहा है, वो सबसे प्यारा लग रहा है। बहुत मौसम प्यारा है और हम यहाँ घूमने में बड़ा मजा आ रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से एनकाउंटर के दौरान शहीद हुए उत्तराखंड के लाल को अंतिम विदाई दी गई। शहीद कैप्टन दीपक सिंह का अंतिम संस्कार हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर सैन्य सम्मान के साथ किया गया। इस दौरान प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, हरिद्वार के डीएम और एसएसपी समेत तमाम लोगों ने शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि की। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बीते एक महीने में उत्तराखंड के कई जवान शहादत दे चुके हैं, वे उनकी शहादत को शत शत नमन करते हैं। आज हम उस महान नायक को नमन कराए हैं, कैप्टन दीपक कुमार जो 48 आर आर के थे, डोडा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में वो शहीद हुए हैं। इससे पहले शहीद कैप्टन दीपक सिंह का पार्थिव शरीर देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचा तो वहां श्रद्धांजलि दी गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एयरपोर्ट पर शहीद को श्रद्धांजलि दी। एयरपोर्ट पर सेना के कई अधिकारी और जवान मौजूद थे। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत, कई विधायक और अन्य लोग भारी संख्या में शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। कश्मीर के डोडा जिले की अस्सर पट्टी में आतंकियों की तलाश के लिए अभियान जारी है। इसी दौरान एनकाउंटर में आतंकियों ने गोलीबारी की थी जिसमें देहरादून के कैप्टन दीपक शहीद हुए। पौड़ी गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी कोटद्वार में एक्शन अवतार में नजर आए। बलूनी माला नदी पर बन रहे पुल का काम देखने आए थे और इसी दौरान उन्होंने उद्घाटन की तारीख भी तय कर दी। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अनिल बलूनी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अपने से पहले ही कंप्लीट कर लेंगे सर, लेकिन थोड़ा सा हम सेफ्टी लेने के लिए कर रहा हूं और कुछ नहीं। अपने लिस्ट तय हो गई। ठीक सर, ठीक है, ठीक सर, ठीक। बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई साहब, बहुत जन्मदिन है ये, वादा है ये। हां वादा सर, देखेंगे बस। तो नहीं 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 सर, ये बदला हुआ अंदाज गढ़वाल से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी का है, जिन्होंने चुनाव से पहले ही वादा किया था कि वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांसद अनिल बलूनी गए तो थे मालन नदी पर बन रहे निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण करने के लिए, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मैं पूछ लिया और फिर उसके उद्घाटन की तारीख भी तय कर दी और बाकायदा सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा उद्घाटन की घोषणा भी कर दी। कब तक ये पुल के बनने का आसार लग रहे, कब तक राहत मिल जाएगी? देखिए, ये जो पुल है इसको नए तरीके से बनाया जा रहा है और अभी इसका पूरा निरीक्षण हम लोगों ने किया है। हमारे लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी साथ में हैं और उन्होंने ये बिल्कुल विश्वास दिलाया है कि ये मार्च में पूर्ण हो जाएगा। हमने 10 मार्च तक पूरा हो जाएगा, हमने 15 अप्रैल की इनसे बात करके इसको उद्घाटन की तिथि तय कर ली है और माननीय मुख्यमंत्री जी का तय कर लिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी 15 अप्रैल को आके इसके उद्घाटन करेंगे। तो अब मुझे पूरा विश्वास है कि उससे एक महीने पहले आप इसको तैयार कर देंगे। तो आप मान के चलिए कि 15 अप्रैल को इस पुल का उद्घाटन होगा और यहाँ प्रॉपरली सारी जो परिवहन व्यवस्था ठीक हो जाएगी। दरअसल बीते साल 13 जुलाई को हुए तेज बारिश के बाद आई बाढ़ से मालन नदी पर बना पुल ध्वस्त हो गया था, जिसकी वजह से भाबर क्षेत्र का कोटद्वार बाजार से संपर्क कट गया था। इस पुल का इसी मार्च से फिर से निर्माण किया जा रहा है।
इसका निरीक्षण करने सांसद अनिल बलूनी पहुंचे थे और अधिकारियों को काम में तेजी के निर्देश देते हुए 15 अप्रैल 2025 को पुल के उद्घाटन की तारीख भी तय कर दी थी। न्यूज 18 के लिए कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज की रिपोर्ट।